तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो हाँ जी, आ चुके हैं आपके लिए फिर से एक न्यू व्लॉग लेके। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग तो होगा वो थोड़ा फैमिली के बारे में होगा गाइस। तो फैमिली में ये होगा कि मेरी छोटी सिस्टर है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है। ये कि मैं हूँ या ना हूँ, वो व्लॉग बहुत अच्छा बनाती है। तो इंशाल्लाह वो आपके साथ कांटेक्ट में रहती रहेगी। तो असल में थोड़ा काम है, मसरूफ होता हूँ। तो चलो ये कैसे माशाल्लाह, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है। तो इंशाल्लाह ये भी आपको व्लॉग्स बनाती रहेगी। इसका आप एंट्रो चेक करना माशाल्लाह, बहुत आपको और इतना। और गाइस एक ये रिक्वेस्ट है यार, ना आप लाइक कर दो ना सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक दोनों किया करो। तो डेली व्लॉग है ये माशाल्लाह, हमारा तीसरा व्लॉग आ रहा है चैनल पे। तो इसे भरपूर से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहो, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ये से होंगे। तो मेरा नाम अंबर अब्बास कुरैशी है। तो भाई गए हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा मैं कैमरा उठा लेती हूँ और मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जब भाई आएंगे तो फिर मिलते हैं कि बाय। तो हाँ जी गाइस, तो मैं आज वैसे मैं थोड़ा बाहर गया था, तो कुछ थोड़ा सा काम तो उधर चला गया। तो आया तो मैं देखा छोटी सिस्टर के हाथ में मोबाइल पकड़ा, तो वो कुछ व्लॉग बनाए थे। देखता हूँ उसका व्लॉग, अगर मुझे अच्छा लगा तो उसका क्लिप मैं डाल दूँगा। तो अभी बुलाता हूँ उसे कि देखते हैं उसने आपके साथ क्या बातचीत की है। तो बुलाता हूँ मैं उसे। अंबर आजा बच्चा। हाँ जी, तो भाई ये मेरी छोटी सिस्टर जो माशाल्लाह के अंदर बहुत टैलेंट है, ये व्लॉग्स बना सकती है। अभी जैसा कि मैं बाहर चला गया था तो मैंने देखा है, तो मैंने देखा नहीं था कि मैं देखा तो उसने व्लॉग बनाया बना रही थी। तो मेरे क्या, तो बोले आप नहीं थे, तो मैं समझा क्यों ना थोड़ा छोटा व्लॉग बना दूँ। तो मेरे कोई मसले की बात ही नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह ये व्लॉग्स बनाएगी, मतलब अभी थोड़ी सी शर्मा रही है। तो जब जब ये वो ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको। अभी इसके बाद एक और छोटी है जो इससे छोटी है, वो उससे भी टैलेंट है कि व्लॉग बना, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएगी व्लॉग। उसे भी मैं लाता हूँ, तो उसका भी आप इंट्रो चेक करें, तो वो भी बहुत अच्छा इंट्रो बनाएगी। तो मिलते हैं आपको छोटी की व्लॉग में, क्योंकि वो भी छोटा व्लॉग बनाएगी, तो वो चेक कर लें आप। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। वालेकुम, कैसे होंगे आप, खैरियत से। मेरा नाम है महविश नवाज। तो आज मैंने सोचा भाई गए हुए हैं बाहर, तो आज मैंने कहा कि चलो भाई की मदद कर देती हूँ, थोड़ी सी व्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी भाई भी गए हुए नानों के घर, तो हमने सोचा बाहर कार खरीदी है कार, तो हमने कहा हम नानों के घर भी चल जाएंगे, क्योंकि नानों का ख़त्म था। तो मेरी बहनों ने भी बनाया, तो हम उधर जाएँगे नानों के घर में। इफ्तारी है, मेरा रोज़ा है। आप खैरियत से, आप लोग के भी रोज़े होंगे। आप लोग को सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। तो प्लीज़ सो प्लीज़, क्योंकि रोज़े रखना इतना सवाब है। मैंने माशाल्लाह सब रखे हैं, एक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने कहा था इंशाल्लाह पिछली बार भी रखूँगी। तो प्लीज़, जब हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। तो हाँ जी गाइस, मतलब कि अफ्तारी अब हो चुकी थी, तो अफ्तारी हमने कर ली थी। तो हाँ जी गाइस, अफ्तारी हम लोग ने माशाल्लाह कर ली थी। तो ये मेरी शॉप है जिसमें मैं काम करता हूँ गाइस। तो ये मेरी पूरी शॉप है, मतलब ये मेरी शॉप है, ये मेडिकल। तो ये देख सकते हैं गाइस, मुझे साहब और क्योंकि जो मेरी शॉप है ये मेडिसिन की शॉप है। तो मेडिसिन आपको पता है, इंसान की मौत और ज़िंदगी के साथ खेलना पड़ता है हम लोगों को। ये नीचे साहब और ये हमारे आदिल भाई हैं, कॉन्टैक्ट लाना था। टिकटॉक भी बनाते हैं, आप इनकी आईडी में जाएं, इनको लाइव सब्सक्राइब ना करें बल्कि इनको फॉलो करें सिर्फ, क्योंकि इनके मुंह नहीं है टिकटॉक बनाने का। आज कल अगर टिकटॉक पे आए तो हम तो तबाह बर्बाद हो गए, अगर ऐसे ऐसे मुंह है। और ये देखें हमारे भाई टिकटॉक। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि रुको जरा सबर। ये इंस्टाग्राम में जो बीच में अगर आपने देखे और रील सुराख सा होता है, ये बंदे हमारे लिए आज जो है ना एक बंदा अफ्तारी लाया, तो ये भूखा घर से आ गया, फिर बोल रहा है मेरे चावल कहाँ है। बहुत अफसोस की बात है, हमारे घर बारे भीख मांग के लोग चावल खाते, भीख मांग के ये हरामी हो बेटा। अच्छा आई एम सो सॉरी, अब मैंने आपको गाली दी काफी, मैं इस बात पे असर तो हो गया। ले जी भाई क्या कहने, पूरा देखा काफी फैन हमारे, ये देखे हमारे फैन ये सेल्फी ना। अच्छा बेटा इसको पहले पा रही ये ले। तो हाँ जी भाई,
कौन सा ये? हाँ भाई, इसका 100 रुपए का पत्ता है भाई, 100 रुपए का पत्ता है जी, 100 रुपए का पत्ता है। तो सफल्ला भाई हमारे आ चुके हैं गाइस, तो पूछते हैं आप सफल्ला भाई से कि सफल्ला भाई आप घर आ जाए प्लीज़, अगर मेरे पास आ जाए, मेरे पास प्लीज़ नहीं नहीं घूम सकते। अच्छा चले, तो चले गए सफल्ला भाई आ गए, तो पूछते हैं उनसे क्या हिसाब है। हाँ जी सफल्ला भाई, कैसे हैं जी? ठीक ठाक, फुल फाट, मज़े में, तकड़ा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह जी, ये बताया आप पूछे था फिर से तेरे को मैंने क्या बोला। तो हाँ जी सफल्ला भाई, बात ये थी आपके साथ कि माशाल्लाह आज कौन सा रोज़ा चल रहा है? माशाल्लाह, तो कितने रखे, कितने खाए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने सारे रखे माशाल्लाह। काफ़ी मुश्किल होते हैं ये, इन जैसे लोग दुकानों में जाके फ्रिज के नीचे बैठ के डीओ की बोतल पीते। ये फंस गया सी, गए थे कैराबाद, गए थे भाई, 500 लीटर वाली डीओ की बोतल उठा ली, ठीक है। और इसने सैटेलाइट के जरिए ऊपर आसमान से देख रहा था कि जब मैं वहाँ कैराबाद में बोतल पी थी, ये लालाबाद से मुझे कैमरे में देख रहा था भाई। मैं इसकी शान गया था, आवाज निकाल यार, कुरान बोलो कुरान तो निकाल कम से कम। बोल रहे यार, नहीं डर, मेरे बाप को पता है ब्लॉगर बंदा है, बनाएगा वीडियो। अच्छा चले जी जी, ये वो लोग हैं जिसको मैसेज आते हैं जी, वो आ चुका। तो बस सॉरी ना प्लीज़, मुझसे गुजारिश है, काफ़ी अच्छा मौसम है माशाल्लाह, गर्मी भी नहीं होती, अगर इसमें भी आप रोज़ा ना रखें तो काफ़ी शर्म की बात है। या मरहबा, रोज़े रखें, और अगर नहीं भी रखते तो किसी गरीब को पेट भर के खाना खिला दें। अब ये नहीं कि आप सारे ना रखें, बट रखें जो आपको मुश्किल है। अब जैसे इन जैसे लोग कि एक रोज़ा भी नहीं रखते। अच्छा जी, तो और फिर गाइस, फिर आप कुछ बात कर रहे थे जी। मैं रोज़ा पकड़ूँ ना पकड़ूँ भाई, मेरे तुम लोगों से क्या लेना देना, मेरे अल्लाह को पता है मैंने जो पकड़ा है जो नहीं पकड़ा है, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को पता है, तेरे अल्लाह को पता है। हाँ अल्लाह सब जानता है, खाली तेरा नहीं है। इधर आ जा साथ, अगर आपको रोज़ा नहीं रखना तो आप मेरे सामने ना करना। इस चीज़ क्रिश्चियन लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखते कि यार जब इसके मुसलमान का रोज़ा है मैं इसके पास जाके ना कहूँ। या मरहबा, रोज़ा रख, इतना बड़ा तना लेके अंदर, वो इधर देखो उधर, ये तो बात खाता पाई पे आ गई यार। तो देख सकते हैं इतने बावजूद, बातों के बावजूद भी ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो अभी आप भी कुछ करें, मैं तो उनको कुछ बोल नहीं सकता। तो चलें दोबारा कुछ पूछ लेते हैं कि कुछ बोल रहे हैं सफल्ला भैया हमारे। और भाई सारे नौजवान लोगों से दरख्वास्त है जी जी, हमारे फ़लस्तीन में काफ़ी जुलम हो रहा है, बिल्कुल इंशाल्लाह मिल के निकलेंगे इंशाल्लाह जिहाद के लिए, ठीक है इंशाल्लाह एक दिन निकलेंगे। भाई जुलम नहीं होगा, जो भाई पैंट शर्ट पहनता है फिर मुँह में कितना दाढ़ी लगता है, जुलम नहीं होगा यार। बिल्कुल बिल्कुल, चले अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अब पॉइंट तो देखिए, पॉइंट बहुत अच्छा मारा है। आप महंगाई को देखो, जो गाय हम लोग ईद में लाते थे 2 लाख रुपए की, आज वो 2.5 लाख की मिल रही है। ये हाल, अब आप बताएं हम कुर्बानी करें क्या करें, सोचनी चाहिए ना। कुर्बानी को छोड़ो, उसको बोलो मैंने रोमन होना चाहिए, आवाज़ निकाल, मेरी आवाज़ भी नहीं पड़ी। कुर्बानी को छोड़ो, इसको बोलो ये फिरौन वाला स्टाइल है, सही है। आप कैमरे से ना पीछे कर, आप कैमरे में आपकी नाक आ रही है, हरामी हो बेटा, मेरी नाक आ रही है, ठीक है। मैंने फिरौन वाली दाढ़ी हटा दिया भाई, मैंने शेप मारा। ये कौन सा शेप है भाई, ये कौन सा शेप, ये कौन सा शेप, जो बीच में नहीं गलत है कि ब्रेड ने काम छोड़ दिया था, नाइफ हो गया था जाके, इस वजह से ये बीच में रह गया। देखो कि नहीं, एक मरतोश हो गया, दो मरतोश हो गया, मैं तो कुछ साल से देखता आ रहा हूँ भाई, ये नहीं भाई होता ही रहे। मैं अपने कब्र जाऊँगा, तू अपने कब्र जाएगा, एक दफ़ा बोलना, मैं अपने कब्र जाऊँगा ना, फिर तेरा क्या काम है। अच्छा इसने कौन से, इसने कौन सी तारीख जमीन साहब की तरह छोड़ी जरा। Oh my God!
गाइस कम चोर भाग चुका है, भाग जब पकड़ने पे आई तो बंदा भाग गया। तो चले सफुल्ला भाई से पूछते हैं कि माशाल्लाह इन लोग ने 18 रुपए रखे हैं तो कैसे 18 रुपए रखे, चेक पूछते हैं इनसे। जी तो यार शुरू के 2 रोज़ तो काफ़ी अच्छे थे माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते। उसके बाद आपने पकड़े ही नहीं तो पता ही नहीं। रोजा रखना है, ये बड़े नाजुक से हालत है जिनमें भाई के थोड़ी सी फॉल खुल चुकी है, थोड़ी फॉल और हम भी खोलते तो मिलते हैं। चले नेक्स्ट वीडियो पर भाई। ये डोगर भाई आपकी कुछ बोलो भाई के बारे में, यानी हमने आपके बारे में कुछ बोल दिया। रोजा रखना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, किसी को बोलना कि तेरा रोजा है या नहीं ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। नहीं है बिल्कुल। पहले आपने क्यों बोला? हर किसी का अपना ईमान। तो आपने पहले क्यों बोला? मैंने किसी में भुजबी की कोई एक करो तो देख ही नहीं लग रहा। देखो दो रोजे उसके ऊपर सही कर रहे, उसके बाद इसने रखे ही नहीं है कि इसके ऊपर उसको पता लगे यार रोजा सही जा रहा है ख़राब जा रहा है, उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ है। हाँ जी सब भाई तो ये देखो क्या बोला अभी इनको बड़ा टेबल उसके पास पड़ा हुआ है। पकते हैं देखते हैं इंशाल्लाह। ये नहीं है मिलते हैं आपको। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं कि बहुत बड़ा बन चुका है ब्लॉग हमारा। स्टोर में लड़का बैठ उसके पास जाके अच्छा चले गाइस एक और शख्स हमारे पास आ चुका है, थोड़ा उनको भी ले आते हैं, थोड़ी उनसे भी बातचीत करते हैं, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बन जाते थे करने में टाइम लगता है। ब्लॉग कैसे करते हैं गाइस आज ब्लॉग का एंड है तो इंशाल्लाह लाइक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये लिख दीजिए सैफुल्ला भाई नाइस। हाँ जी गाइस तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत, कभी भूलने ही नहीं बेल आइकन दबाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।